एक बार आप देखिए गॉडफ्रे फिलिप्स को 4% ऊपर 967 के लेवल्स पर दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट गोल्डन टोबैको की भी हमने बातचीत की थी, वहां भी स्ट्रेंथ दिखी थी इंडिकेटिव एक्शन में। शुरुआत हालांकि पॉजिटिव जोन में ही एक्सपेक्टेड थी। इसके अलावा एक बार पीसी ज्वेलर्स को देख लेते हैं, कल का 10% का सर्ज क्या टिका है या फिर नहीं? शुरुआत तो हालांकि कमजोरी के साथ ही हुई थी, लेकिन पीसी ज्वेलर्स अभी कैसे बिहेव कर रहा है वो देख लेते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस को माना तो यही जा रहा था कि जो वेडिंग डिमांड रिज्यूम होगी वो शायद थोड़ा बहुत कंफर्ट इन स्टॉक्स को दे, वो कंफर्ट कल तो प्रॉफिट बुक हो रहा है। आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुक हो रहा है पीसी ज्वेलर्स के अंदर, और करीब 4.5% का नुकसान। देखिए इन शेयर्स की दीपाली यही एक ट्रैजेक्टरी होती है, ये खबर के साथ बहुत तेज रिएक्शन देते हैं। कल हमने डिफरेंस दिख गया था इनके फ्यूचर्स में और इसके कैश में, क्योंकि जिन्होंने कैश में पोजीशंस बनाई थी शॉर्ट की बनाई थी, जैसी खबर शक्तिकांत दास ने 10 बजे के बाद बताई, 12 बजे के बाद आप देखें किसी भी रेट पे कैश ने जिन्होंने भी शॉर्ट किया था वो कवर करना चाहते थे, फ्यूचर्स के अंदर बाइंग इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए कल आपको फ्यूचर्स और कैश में डिफरेंस दिख रहा था पीसी ज्वेलर्स में। ये उन पर्टिकुलर शेयर्स में ज्यादा दिखता है जहां पे स्पेकुलेशन ट्रेड होता है, और या फिर ये कहें कि जिनमें थेमेटिक भी होते हैं और जिनके डिफरेंसेस होते हैं कैश और फ्यूचर्स के, जिसको हम आर्बिट्रेज भी यूजली बोलते हैं, तो वहां पे आपको दिखेगा हमेशा। ये तो चलिए आपने कुछ फैक्ट्स की बात की, और वैसे भी अगर आप ट्रेंड भी देखें तो जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स में जो बाइंग ये सीजन ही होता है कि जब बाइंग आती है और टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर वो बाइंग प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है, तो ये भी एक फैक्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एक बार एनबीएफसी शेयर्स को देख लेते हैं, जहां पर काफी पिटाई हमने देखी है पिछले 5-6 सत्रों में, और आज आप देखिए कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये स्टॉक्स आज बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि इंडिया रेटिंग्स की एक रिपोर्ट भी आई है कल, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो माइक्रो फाइनेंस फर्म्स हैं उन डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो उनके ओवरड्यूज है वो हायर साइड पर रह सकते हैं, और इसका असर फाइनेंशियल्स पर भी दिख सकता है। हालांकि एनबीएफसी स्पेस आपकी स्क्रीन पर, जहां पर सेटिन क्रेडिट केयर और साथ ही इक्विटास, ये दो ऐसे शेयर्स हैं जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं। बजाज फाइनेंस में भी 3.5% की बढ़त हम देख रहे हैं। बाकी स्टॉक्स ऐसी इन्वेस्टमेंट, चोला इन्वेस्टमेंट, यहां पर नेगेटिव बायस के साथ ही ट्रेड हो रहा है। श्रीराम सिटी यूनियन एक और शेयर, एक मुथूट कैपिटल, एलएनटी फाइनेंस, जहां पर मामूली बढ़त अभी देखी जा रही है। तो आज एनबीएफसी स्पेस में कह सकते हैं कि थोड़ा रिलीफ है, जो हम लगातार कमजोरी देख रहे थे वो काफी हद तक आज के सत्र में थमती हुई दिखी है। लेकिन अविनाश अभी आप क्या कर रहे हैं, ये एनबीएफसी पॉकेट में अभी स्ट्रिक्टली अवॉइड कर रहे हैं या फिर हाल ही गिरावट के बाद कुछ स्टॉक्स वैल्यूएशन वाइज आपको अच्छे भी लग रहे हैं? आई थिंक अगर हम एनबीएफसी की स्पेस करें तो हमको क्लियरली जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, यहाँ पे गिरावट में हमने क्लाइंटों को खरीदने का यू नो बाय करने का डिसीजन कहा है। यहाँ पे उज्जीवन फाइनेंस और भारत फाइनेंशियल, हमको लग रहा है कि कोई भी गिरावट में अगर कोई खरीदता है तो लंबे निवेश के लिए डेफिनेटली अच्छे अट्रैक्टिव लग रहे हैं। हालांकि इन द शॉर्ट टर्म हो सकता है कि दिसंबर का क्वार्टर थोड़ा बहुत चैलेंजिंग हो, क्योंकि इनके ज़्यादातर पेमेंट सब कैश पेमेंट में होते हैं, तो कैश कंपोनेंट बंद होने के कारण डिसबर्समेंट्स में डेफिनेटली एक फॉल हमको देखने को मिला है। लेकिन अगर हम मार्च क्वार्टर के बाद की बात करें तो मुझे लग रहा है कि बहुत उज्जीवन एज वेल एज भारत फाइनेंशियल डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा, जिनको कम से कम एक साल का नजरिया है। सीमित दो स्ट्रक्चर आप देखें, एक तो बैंक निफ्टी, जिन्होंने अब तक कोई पोजीशन ली नहीं, मार्केट ने ओपनिंग दे दी है, निफ्टी जो हरे निशान में था वापस झूल रहा है हरे लाल में, बैंक निफ्टी पे कंफर्टेबल है अभी पोजीशन लेंगे या वेट करेंगे थोड़ा अभी आप? जी बिल्कुल वेट करेंगे डिम्पी, उतना कन्विक्शन नहीं है, पर एक बात तो ये है कि 9 नवंबर का जो लो निफ्टी ने बनाया था, निफ्टी फ्यूचर्स का वो लो टूट गया जैसे मैंने सुबह बताई, और 8002 का निफ्टी स्पॉट का लो अभी तक टूटा नहीं है, और बैंक निफ्टी का उस दिन का लो था बहुत नीचे, 18,143 के आसपास था, और दोबारा वो लो जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी 19,000 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, और मुझे लगता है कि इसका जो मेजर सपोर्ट है 19,000 से 18,900 के आसपास का, ये सपोर्ट अगर होल्ड करता है तो बैंक निफ्टी में वापस रिकवरी आएगी, पर वो रिकवरी मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी 19,300 से 350 का रेंज पार करके इसको सस्टेन कराएगा। तो अभी भी मार्केट में जब सेंटिमेंट जितना ख़राब है, लग रहा है कि ऊपर में सेलिंग किया जा सकता है, 350-400 के ऊपर का स्टॉप लगा के उछाल में बेचिए, 18,900 के आसपास का टारगेट है, अगर 900 का लेवल टूट गया तो थोड़ा बहुत इसमें वीकनेस आ सकता है, पर बैंक निफ्टी अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, ये देख के अच्छा लग रहा है, और स्पेशली मैं कुछ बैंक में बुलिश हुआ, मुझे लगता है कि शायद यहां से अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है बैंक को तो एक दो पीएसयू बैंक जो मुझे अच्छा लग रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक, ये तीनों बैंक मुझे लगता है कि यहां से अगर 6 से 8 महीने के लिए अगर किसी के पास पैसा है तो शायद ये तीनों बैंक में खरीदारी किया जा सकता है पोर्टफोलियो में डिलीवरी वाइज। ठीक है, इस बीच
आप देखेंगे कि प्रतिभा इंडस्ट्रीज पे खबर थी और 6% शेयर को ऊपर ले आया, इसमें एक और मिलने की न्यूज़ था तो प्रतिभा इंडस्ट्रीज 6% ऊपर है। एक शेयर आप देखें डेल्टा कॉप जो दो दिन में चला है, लेकिन जिन दो दिनों में जिन्होंने रिकवरी देखी है किसी वजह से, उन्होंने कल चलते चलते किसी ने शेयर प्लस कर लिया होगा, आज भी 4% का मूव उनको मिल चुका है। एक बार प्रॉफिट बुक कर लें क्योंकि अब कल थोड़ा प्रॉफिट भी बहुत बड़ा लगने लगा है। निम्बी जी बिल्कुल, पर प्रॉफिट बुक करने की जितनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जो ट्रेंड है बहुत अच्छा है। मैंने जैसे पहले कहा कि 110 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रिस्क बना के चलना चाहिए। 110 के ऊपर है तब तक मुझे लगता है कि इसमें और भी मोमेंटम देखने को मिलेगा। हमने पहले 5 मिनट में देखा है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक में ट्रेड होता नजर आ रहा है। हालांकि 118 से लेके वापस एक बार 116 तक ये स्टॉक नीचे आ रहा है 2 रुपए, पर मुझे लगता है इधर से 114-114 के नीचे नहीं जाना चाहिए, इधर से वापस आपको बाउंस बैक आ जाना चाहिए। और अगर आपका व्यू अगले 1-2 हफ्ते का है तो 138 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, 132 से लेके 138। तो 138 टू 140 के टारगेट्स देखे जा सकते हैं डेल्टा कॉर्प पर। और खबरों में भी है डेल्टा कॉर्प के, रेयर एंटरप्राइजेज ने 12.5 लाख शेयर कल खरीदे हैं डेल्टा कॉर्प के 117 के प्राइस पर। और जहां रेयर एंटरप्राइजेस का नाम जुड़ जाता है वो स्टॉक्स तो ऐसे भी चलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, राकेश झुंझुनवाला है। कल हमने एक आपको जानकारी भी दी थी कि इस बाजार में वो भी नहीं बचे, करीब 1500 करोड़ रुपए के आसपास का उनका भी पोर्टफोलियो जो है वैल्यू डाउन हुआ। इससे पहले उन्होंने 5000 करोड़ निकाले थे चैरिटी के लिए भी, तो वो अलग है। तो 5000 करोड़ चैरिटी के लिए और 1500 करोड़ का नुकसान, तो 6500 तो राकेश झुंझुनवाला ने भी बाजार को दे दी। बिल्कुल, मार्केट नीचे आया है तो आम निवेशक के साथ साथ बड़े निवेशकों को भी डेफिनेटली नुकसान हुआ है, क्योंकि बड़े स्टॉक्स हैं पर छोटे स्टॉक्स हो सभी में करेक्शन हावी हुई है। सिमी, किरण और अविनाश, आप तीनों का शुक्रिया शामिल होने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए। हेमंत टुकराल हमारे साथ मौजूद है एबी मनी से। हेमंत, गुड मॉर्निंग। मार्केट्स तो सुस्त खुले हैं और कोई स्ट्रेंथ का इंडिकेशन तो भी नजर आ नहीं रहा है। 8076 पर अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है, क्या व्यू है आपका? देखिए गुड मॉर्निंग, मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट चीज क्या हो रही है बाजार में कि एब्सेंस ऑफ बाइंग, जिसको कहते हैं कि बायर का एब्सेंस बहुत ज्यादा हिट कर रहा है। बाजार उस लेवल पे है जहां हर पैरामीटर्स, कोई भी डेरिवेटिव्स का पैरामीटर्स हम यूज करें, जहां पुट कॉल रेशो काफी लो पे आ चुका है, मतलब पूरे साल के लो पे है। तकरीबन आप रेंज के 8000 पुट जहां आप हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है उसके पास आ चुके हैं, टेक्निकली भी ओवरसोल्ड है, लेकिन अभी भी रिबाउंड का कोई साइन नहीं है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बाइंग का कोई निचले स्तरों से कोई भी बाइंग सिग्नल, चाहे वो एफआईएस की तरफ से हो, कोई भी कवरिंग अप का भी सिग्नल अभी तक नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी यही सलाह दी थी, मैं अभी यही दूंगा कि ये सेलिंग जोन नहीं है, यहाँ पे आप शॉर्ट करके बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो वेट एंड वॉच मोड ज्यादा हो गया है मार्केट के लिए। रिबाउंड अगर आपको खेलना है तो आप तभी खेल सकते हैं अगर बाजार वापस 8110 के ऊपर जाने की कोशिश करता है आज में, तो ही आप रिबाउंड के लिए ट्राई करिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 8050। मुझे ऐसे लगता है बाजार को बहुत स्ट्रांग सपोर्ट मिलेगा 8030-8050 के आसपास, लेकिन इस लेवल पे शॉर्ट करने की सलाह मैं नहीं दूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन पे है मार्केट। ओवरसोल्ड है और 8000 की जिस लेवल की हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि पुट राइटिंग ये क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि 8000 बाजार के लिए एक अहम सपोर्ट है। नितिन रहेजा इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन जी शुक्रिया पहले तो जी बिजनेस को समय देने के लिए। आप हमारे साथ एक ऐसे दिन जुड़ रहे हैं जिस समय बड़ा मुश्किल हो रहा है फैसला लेना कि बाजार में हमको निचले स्तर पर बाय करना चाहिए या फिर जो गिरावट है ये थोड़ी और डीप हो सकती है। आप निवेशकों को थोड़ा ढांढस बताएंगे ये कहकर कि नहीं ठीक है वैल्यूएशन अच्छी है प्लस कर लें, या फिर थोड़ा सा उनको डर पैदा करेंगे नहीं वैल्यूएशन अभी भी खराब है बाजार और भी नीचे जा सकता है? देखिए काफी सारे स्टॉक्स में आपने जैसे कहा कि ऑलमोस्ट 20-25% करेक्शन आया है, पर हमारा मानना यह है कि अभी भी जो आप जैसे कहें कि एक स्क्रीमिंग बाइज नहीं नज़र आती क्योंकि करेक्शन के बाद भी, हालांकि जैसे ये मानना है कि ये ओवरसोल्ड है टेम्पररली, शायद आपको बाउंस बैक मिले, बट अगर आप थोड़ा सा लंबा देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये जो मूव है इसका जो इम्पैक्ट जो अनऑर्गेनाइज इकोनॉमी पे है और जो डिराइव डिमांड आता था उस अनऑर्गेनाइज इकोनॉमी से,
एटलीस्ट ये और नेक्स्ट क्वार्टर में इसको टाइम लगेगा स्टेबलाइज होने के लिए और उस डिमांड को वापस आने के लिए, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को वापस आने के लिए। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो एक बड़ी स्टोरी ड्राइव कर रही थी इंडिया को, क्योंकि ग्लोबली जो क्यूज थे वो बहुत अनक्लियर थे, वो एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग शेकन अप हो चुकी है। और जो जो वो स्टॉक्स उस सेक्टर पे एक्सपोज थे उनके जो वैल्यूएशंस थे वो ऑलमोस्ट आप देखें तो एक हिस्टोरिक हाईज पे चल रहे थे। तो मेरा मानना यह है कि ये जो जो सॉफ्टनेस का दौर है बाजार में वो जारी रहेगा काफ़ी टाइम के लिए, क्योंकि जब भी आप क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिखेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे जगह सरप्राइजेस नज़र आएंगे जो आप जो जो मार्केट ने फुल्ली एंटिसिपेट नहीं हुआ। क्योंकि जब हम मार्केट को देखते हैं तो वैल्यूएशन से जब कुछ 20% करेक्ट होता है तो हमको लगता है कि हाँ अब यू नो ये, बट एब्सोल्यूट वैल्यूएशन को अगर आप देखें और उसके अगेंस्ट जो अगर आप नेक्स्ट दो क्वार्टर की अर्निंग्स को देखें तो उसमें आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगी। तो और उसके ऊपर से अगर आप ग्लोबल ट्रेंड्स देखें तो यू नो यूएस फेड हाइक की गुंजाइश है, वहाँ पे बॉन्ड मार्केट्स में कोलैप्स आ चुके हैं तो उसमें थोड़ा सा रिस्क ऑफ ट्रेड आ जाता है। तो एफआईआईज यू नो एज ईएम इमर्जिंग मार्केट्स एज अ होल को ना एज एसेट क्लास देखते हैं और वहाँ से वो यू नो उनका एपेटाइट कम हो जाती है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये अगले दो क्वार्टर चैलेंजिंग रहेंगे बाजार के लिए, वॉलेटिलिटी काफ़ी रहेगी और इसमें अगर आपको कहीं कहीं ओवर करेक्शन नज़र आ जाता है कई कई स्टॉक्स में और एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से नज़र आता है तो श्योरली आप बाय करें, क्योंकि लॉन्गर टर्म आपको जो बाउंस बैक दिखेगा बहुत स्ट्रांग दिखेगा, बट शॉर्ट टर्म में ये दो क्वार्टर्स काफ़ी चैलेंजेस रहेंगे। जी हेमंत, अभी आपने कहा कि मौजूदा मार्केट में शॉर्ट करके पैसा नहीं बनेगा, ऐसे में खरीदारी करनी चाहिए, तो अपने लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आप तैयार रखिए, मैं आपके पास आऊँगी और ये जानूंगी किन स्टॉक्स पर आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं।